नमस्कार, आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं ICR पूसा के JTM VPD यूनिट में। क्या है ये यूनिट और किस तरीके से काम करता है, ये सब जानने के लिए हमारे साथ JTM VPD की CEO और हमारे खास मेहमान डॉक्टर आकृति मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका फसल क्रांति में। बहुत बहुत धन्यवाद। ZTMN BPD यूनिट बेसिकली चार वर्टिकल्स के अंदर काम करता है। एक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम IRI की डेवलप टेक्नोलॉजीज़ के लिए उनकी बौद्धिक संपदा को मैनेज करते हैं, जैसे कि उनके पेटेंट्स करना या कॉपीराइट्स करना, ट्रेडमार्क करना। ये इसके अलावा हमारी यूनिट जो है वो IRI में जो भी तरह की टेक्नोलॉजीज डेवलप होती है, चाहे वो किसी तरीके की फसल की किस्में हैं या फिर वो कोई तरह की नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की टेक्नोलॉजीज़ हैं, मशीनें हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, इन सबको हम PPP मोड के तहत कमर्शलाइज़ करते हैं, जिसके अंदर हम लाइसेंस करते हैं टेक्नोलॉजीज़ को और हम प्राइवेट पार्टीज़ को अपने साथ लेकर चलते हैं, सो दैट कि हमने जो इन्वेंशंस करी या हमने जो टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करी, आप उनको मास स्केल पर प्रोड्यूस कर सकें और किसानों तक पहुंचा सकें। सो ये दूसरा वर्टिकल है जिसके अंदर हम काम करते हैं। तीसरा जो कि अभी बहुत महत्वपूर्ण वर्टिकल बन गया है, वो है एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन का, जिसके अंदर हम स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करते हैं, हम उनको नर्चर करते हैं और स्टार्टअप्स हमारे पास आते हैं अपने आइडियाज़ को लेकर, अपने प्रोडक्ट्स को लेकर, उनको जिस भी तरीके की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत रिलेटेड टू टेक्निकल मेंटरिंग, कि अगर उनको एक वैलिडेशन चाहिए कि उनका प्रोडक्ट जो क्लेम कर रहा है वो काम हो रहा है, या फिर उनको अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने के लिए कोई हेल्प चाहिए टेक्निकली, तो हमारे पास, क्योंकि 450 से ज़्यादा साइंटिस्ट्स की स्ट्रेंथ है IRI के अंदर, तो उसकी वजह से हमारे पास हर डिसिप्लिन के साइंटिस्ट हैं एग्रीकल्चर में ज़्यादातर, तो वो साइंटिस्ट जो हैं वो उनको हेल्प करते हैं टेक्नोलॉजी को बनाने के अंदर, प्रोडक्ट को बनाने के अंदर, और हम उनको वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं। सो ये तीन वर्टिकल्स, और एक वर्टिकल है जिसमें हम इनहाउस रिसर्च करते हैं कि जो भी काम हम कर रहे हैं उनका एक्चुअल इम्पैक्ट कैसा पड़ रहा है। जी डॉक्टर आकृति, अगर हम बात करें नॉर्मली जो एक स्टार्टअप इंक्यूबेशन का जो प्रोसेस होता है, तो वो तो हम थोड़ा सा आपसे जानेंगे ही, लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहूँगा, अभी तक कितने स्टार्टअप्स को आप इंक्यूबेट कर चुके हैं या आगे बढ़ावा दे चुके हैं स्टार्टअप्स? हम अब तक 300 से ज़्यादा स्टार्टअप्स इंक्यूबेट कर चुके हैं और 152 स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर चुके हैं। जी, तो इसकी प्रक्रिया क्या रहती है डॉक्टर आकृति, किस तरीके की जो प्रोसेस होता है, क्या होता है वो, कैसे इनको इंक्यूबेट किया जाता है? देखिए, प्रोग्राम्स हमारे यहाँ बहुत तरह के चलते हैं, उन सब की प्रक्रियाएं अलग अलग हैं, लेकिन मैं अभी मेजरली आपको हमारे दो प्रोग्राम्स के बारे में बताना चाहूँगी जो अभी करंटली लॉन्च्ड हैं मार्केट के अंदर, और जिनके अंदर जो हमारे युवा हैं, जिनके पास में भारतीय कृषि को बदलने के योग्य आइडियाज़ हैं या उनके पास ऐसे कोई प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी कृषि की कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो वो अभी हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी प्रक्रिया बहुत साधारण है, दो तरीके की स्कीम्स है, एक में वित्तीय सहायता है 5 लाख तक की रुपए की, जिसके अंदर आइडिया से लेकर, अगर आपके पास में एक बेसिक कोई प्रोटोटाइप डेवलप्ड है उस स्टेज तक का अगर आपका स्टार्टअप है, तो आप हमारे यहाँ पर 5 लाख की सहायता के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको इंक्यूबेशन मिलेगा, आपको मेंटरिंग सपोर्ट मिलेगा, बिजनेस सपोर्ट, IPR सपोर्ट, ये सब कुछ मिलेगा और साथ में वित्तीय सहायता भी मिलेगी। दूसरी स्कीम जो है वो है 25 लाख तक की, जिसके अंदर आपके पास मिनिमम वायबल प्रोडक्ट होना ज़रूरी है, मतलब प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको विच इज़ रेडी टू लॉन्च इन द मार्केट, जिसको अभी मार्केट में लॉन्च किया जा सके, जिसके लिए शायद कुछ एक लॉन्च करने के लिए ऐसे समझ लीजिए पैसे दिए जाएं, या वैलिडेट करने के लिए कि अभी प्रोडक्ट तो है लेकिन कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल्स रिक्वायर्ड है ना मार्केट के अंदर, तो उन रेगुलेटरी अप्रूवल्स को देने के लिए पैसे दिए जाते हैं और उसके लिए सहायता भी दी जाती है। तो ये दो तरह की सहायताएँ हम देते हैं। तो इसकी कोई डेडलाइन है कि स्पेसिफिक रखी गई है और कौन कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? इसकी डेडलाइन 30 अप्रैल है इस साल की, और हर साल ये प्रोग्राम हम 1 अप्रैल को लॉन्च करते हैं और 30 अप्रैल डेडलाइन रखते हैं, मतलब ये हमारा एक रेगुलर प्रोग्राम है। इसके लिए अप्लाई जो कर सकते हैं, जैसे 5 लाख तक की वित्तीय सहायता के लिए आपको एक रजिस्टर्ड कंपनी होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वित्तीय सहायता लेने से पहले हम ये इंश्योर करते हैं कि आप रजिस्टर हो जाएं, बिकॉज एक रजिस्टर्ड एंटिटी को ही पैसे मिल सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन होना इम्पॉर्टेंट है 25 लाख के लिए, तो ऑफकोर्स आपको एक रजिस्टर्ड एंटिटी होना है, और स्टार्टअप इंडिया की डेफिनेशन के अनुसार स्टार्टअप जिसे कहा गया है उसके ऊपर खरा उतरना है, जैसे कि
आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकते हैं, आप एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी हो सकते हैं, आप एक पार्टनरशिप फर्म हो सकते हैं. आप का जो टर्नओवर है 100 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, आपका एस्टैब्लिशमेंट 10 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, आप किसी बड़ी कंपनी की, किसी भी और कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी नहीं होने चाहिए. तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आप स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं और उनको चेक करके हमारे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं 25 लाख के लिए स्पेसिफिकली. 5 लाख के लिए ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है अप्लाई करने के लिए, लेकिन पैसे मिलने तक की प्रोसेस एक लंबी प्रोसेस है. तो तब तक आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी. जी मैडम, एक बड़ा इशू है, बहुत सारे जो युवा हैं आजकल, हम भी देखते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से भी बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से उनका तो मोह हटता जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं. लेकिन जो हमारा अर्बन एरिया का यूथ है, जो एजुकेटेड भी है, वो कहीं ना कहीं अडोप्ट कर रहा है एग्रीकल्चर को, चाहे वो इनोवेशन के फॉर्म में कर रहा हो, मशरूम कल्टिवेशन के फॉर्म में कर रहा हो, हॉर्टिकल्चर के फॉर्म में कर रहा हो, कहीं ना कहीं जुड़ रहा है वो एग्रीकल्चर से. तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, आपकी क्या थॉट है? देखिए, तो बिल्कुल आपने सच बात कही है कि रूरल यूथ जो है वो माइग्रेट कर रहे हैं अर्बन एरियाज की तरफ, और अर्बन यूथ जो है जो हाईली एजुकेटेड पीपल हैं, दे आर कमिंग इनटू एग्रीकल्चर. इसके पीछे भी कई कारण हैं. जैसे कि रूरल यूथ का माइग्रेट करना सिंपल हम सब जानते हैं कि कृषि जो है आजकल लोगों को ऐसा लगता है कि प्रॉफिट का सौदा नहीं है, तो नहीं करना चाहते. प्लस बहुत सारे और चीज़ें हैं, जैसे कि क्लाइमेट की वजह से अभी तो बेमौसम बरसात हो जाती है वगैरह, तो बहुत सारे किसानों को उठाने पड़ते हैं, उसकी वजह से भी लोग डरते हैं आगे कृषि में काम करने में. और लोग क्या है, अब जिनको पढ़ा देते हैं तो पढ़े लिखे बच्चे खेती करना भी नहीं चाहते. उनको लगता है खेती को वो एक तरीके से उतना अच्छा जरिया आय कमाने का नहीं समझते हैं, ऐसा कुछ सोसाइटल माइंडसेट है उनका. तो उस माइंडसेट को ऑफकोर्स चेंज करने की ज़रूरत है, जिसको एज एन इंस्टीट्यूशन या कोई भी इंडिविजुअल हम चेंज नहीं कर सकते. वो चेंज होगा उदाहरणों के माध्यम से. जैसे कि हमारे पास में एक अच्छा शेयर जो है वो IITs के बच्चे जो हैं वो आते हैं, तो उनमें से कोई रोबोटिक्स इंजीनियर है, तो क्योंकि उनका को डिसिप्लिन टेक्नोलॉजी का है, उनको आता है रोबोट बनाना, तो वो रोबोटिक्स का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में देखते हैं. कोई है हमारा, उसको वो अगर सेंसर्स के ऊपर काम करता है तो सेंसर्स का एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, तो वो कहीं और भी काम करता होगा. और कई जगह पर तो अनरिलेटेड डिसिप्लिन के बच्चे भी आते हैं, जैसे सिविल इंजीनियर्स हैं वो अभी एग्रीकल्चर में वेंचर इन कर रहे हैं और सीखते हैं और काम करने का जज्बा है और काम करते हैं और कमाते भी हैं. और ऑफ कोर्स उसके पीछे जो हमने अभी एक रीसेंट रिसर्च की, जिससे हमें ये पता चला कि जो एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं हमारे देश के अंदर, उनके पीछे मुख्य मुद्दा जो है वो पैसे कमाने से ज़्यादा देश की कृषि की कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो उसकी वजह से आगे बढ़कर आ रहे हैं. तो ये एक बहुत अच्छा संदेश है और एक बहुत अच्छा रुझान है जो हमें देखने में मिल रहा है, जो शायद आगे प्रेरित करेगा गांव के युवाओं को भी कृषि में बने रहने में, लेकिन लाभकारी कृषि में बने रहने में. जी, AI और IoT जैसी टेक्नोलॉजी को भी काफ़ी, अभी अगर हम देखें पिछले 3-4 साल के 5 साल अगर हम ले लेते हैं, तो काफ़ी बढ़ावा मिला है. जी, और आप भी यहाँ पे आई थिंक काफ़ी स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट भी कर चुके होंगे इससे रिलेटेड, तो आपको क्या लग रहा है इसको देख के कि आने वाले टाइम में AI का के साथ एग्रीकल्चर का फ्यूचर क्या रहने वाला है? AI के साथ एग्रीकल्चर का एक्चुअली ये अभी ही नहीं स्टार्ट हुआ, ऐसा बोलना चाहिए 2016-17 में भी देर वर स्टार्टअप्स जो AI इन एग्रीकल्चर को इम्प्लीमेंट करते थे. बायर ट्रेड, ये बायर सेलर वाले प्लेटफॉर्म्स काफ़ी पुराने टाइम से हैं और बढ़ रहे हैं. और इसमें ऐसा नहीं है, देखिए इनके साथ में दिक्कत क्या है कि ये एक लिमिटेड एरिया तक सेंटर्ड है, तो मैं ऐसा समझती हूँ कि फ्यूचर ब्राइट है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, लेकिन साथ में स्केलअप के लिए सपोर्ट और स्केलअप करना ऐसे स्टार्टअप्स का वो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि अगर एक छोटे एरिया तक लिमिटेड रह जाते हैं तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होती है, और साथ में जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने ही निकले थे वो हो ही नहीं पाता एक लार्ज स्केल के ऊपर. तो इसके लिए इनको कोलैबोरेट करना, ये आपस में जुड़ें अलग अलग एरियाज में ये जो स्टार्टअप्स हैं, और साथ में ये जुड़कर और एक मास स्केल के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करें, वो इम्पॉर्टेंट है. और अब तो सिर्फ IoT डिवाइसेस नहीं, AI में हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ों का रुझान अभी बहुत ज़्यादा बढ़ा है. आप बहुत सारी कंपनीज अभी देखते हैं बाजार के अंदर जो अपनी डिवाइस के साथ में सब्सक्रिप्शन मॉडल्स सेल कर रही हैं. और फार्मर्स के लेवल पे अडॉप्शन अभी थोड़ा कम है, जो मैं समझती हूँ कि बढ़ना चाहिए और बढ़ेगा आने वाले दिनों में. जी,
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आकृति। अंत में चलते चलते आपसे अनुरोध रहेगा, अगर आप कुछ कहना चाहें हमारे दर्शकों को या जो एग्रीकल्चर जो किसान भाई हमारे साथ जुड़े हैं उनको, तो अगर आपका कोई संदेश या कोई मैसेज हो तो प्लीज़ आप उन फसल क्रांति के माध्यम से उन तक पहुंचा सकते हैं। ज़रूर। सो संदेश तो यही है कि जो कृषि में युवा अभी काम कर रहे हैं, देखिए हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं या हम या जो भी स्टेक होल्डर्स इस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, जो ये चाहते हैं कि हमारे युवा आगे आएं और कृषि के परिदृश्य को बदलने की उनमें हिम्मत है, तो हम उनका साथ देंगे। तो उस केस के अंदर अगर आपके पास में कोई नया विचार है या कोई नई टेक्नोलॉजी है, तो आप सिर्फ हमारे साथ अकेले नहीं जुड़ सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे एक्सट्रीम रीजन में हैं, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में हैं या कहीं हिली रीजन्स में हैं, आप अपने वहाँ की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को कॉन्टैक्ट करें। मोर और लेस सारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ जो हमारी कंट्री में हैं वो कोई ना कोई तरह का इंक्यूबेटर चलाती हैं, और वहाँ से भी आप हमारे थ्रू जुड़ सकते हैं, और वहाँ के एरिया की दिक्कतें और वहाँ की एक्सपर्टीज़ उन यूनिवर्सिटीज़ के पास भी है, तो आप वहाँ जुड़ें और आपको हर संभव सहायता यूनिवर्सिटीज़ से हमारी तरफ से करी जा रही है और करी जाएगी ऑफ कोर्स, ताकि आप आगे बढ़ सकें और हम जो एक बड़े उद्देश्य को लेकर चले हैं वो पूरा हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर आकृति, जिन्होंने बड़े ही अच्छे और विस्तारपूर्वक तरीके से बताया कि किस तरीके से जेटीएम बीपीडी यूनिट काम कर रहा है, खासकर जो एग्रीकल्चर में जो युवा एग्रीकल्चर में काम करना चाहता है उनको बढ़ावा देने का काम कर रहा है। इसी तरीके की जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।